मेकिंग चॉइसेस जब हम ऑफ की बात करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट ऑफ स्क्यूर्सेज इट कम्पेल्स कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टू मेक चॉइसेस जब हम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर इज टू मेक दो चॉइसेस दैट मेक हिज सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम फिर इसी पैटर्न पर अगर हम प्रोड्यूसर के रेफरेंस में बात करें तो प्रोड्यूसर विल मेक दो चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट या आप जो कह कि प्रोड्यूसर विल मेक चॉइसेस दैट मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अ कंज्यूमर प्रोड्यूसर हैज टू मेक अ चॉइस इट इज द टाइम डायमेंशन है कंज्यूमर कैन स्पेंड टूडे आर सेफ ऑर फ्यूचर कंजम्पशन और इसी पैटर्न पे प्रोड्यूसर कैन इन्वेस्ट टूडे टू मेक टू मेक फ्यू प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के रेफरेंस में बात करेंगे तो अगेन फार्मर हैज़ टू फेस चॉइसेस विद व्हाट टू प्रोड्यूस तो एग्रीकल्चर में क्या होता है अ फार्मर कैन प्रोड्यूस मोर देन वन एग्रीकल्चरल आउटपुट हैज टू मेक अ चॉइस उसको कौन सा एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस करना है अगर उसे कोई एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस करना है इन कॉम्बिनेशन शन ऑफ टू कमोडर्स विच कंबिनेशन ऑफ टू एग्रीकल्चर आउटपुट ही शुड प्रोड्यूस और इसको प्रोड्यूस करने के लिए उसे क्या रिक्वायर होगी ही नीड इनपुट और ये जो इनपुट है वो उसकी सिलेक्शन में रोल प्ले करेगा प्राइसिस ऑफ इनपुट उसमें ही हैज एलोकेट द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटपुट जब हम ये बात करेंगे यूजेज ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटपुट तो यहां पे उसे क्या करना पड़ेगा अगेन नो ही हैज टू मेक मेक अ अ चॉइस अबाउट सिलेक्शन ऑफ इनपुट हां कौन सी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करनी है ये उसको उसको जो रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या होता है इट इन्वॉल्व रिस्क किस फॉर्म में बिकॉज ऑफ सम चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन कि जब भी आपके पास वेदर चेंज होगा इट है सम इम्पेक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल आउटपुट उस रिस्क को कैसे फार्मर ने मिनिमाइज करना है अगेन ही हैज टू मेक अ सर्टन

रिलेटेड आप कह लें कॉन्सिड्रेशन भी उसको अपने माइंड में रखना पड़ेंगी टू मेक प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट फिर जो आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं एंड रेगुलेशन इट आल्सो हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन द द मेकिंग ऑफ फार्मर फिर सबके साथ जो आप एक लास्ट में बात आ रही है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस कि ये सारी जितनी भी हमने बात की है वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस इसमें ये जितने भी हमने ये नीचे फैक्ट्रीज लिस्ट किए हैं रिसोर्स एलोकेशन क्रॉप सिलेक्शन इनपुट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अडोप्शन और ये सब का कुछ ना कुछ रोल होगा इन द डिसीजन मेकिंग टू टू कैरी आउट द चॉइस ऑफ अबाउट प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस और जब हम ये इन सारे चॉइसिस की बात करते हैं तो ये जितने भी चॉइसिस आर नॉट ओनली कॉन्स्टेन्ड बाई रिसोर्स स्केरसिटी इसके साथ कुछ और नॉन इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी आ सकती हैं वो नॉन इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं इट माइट बी लीगल पोलिटिकल आर मॉरल जब आप मॉरल मॉरल रेफरेंस में बात करो कि बींग मुस्लिम आप कह लें कि मेरे लिए हम हम लोगों के लिए वाइन प्रोडक्शन इज प्रोहिबिटेड हाँ जिसकी कंजम्पशन भी प्रोहिबिटेड है कि इट माइट बी पॉसिबल इकोनॉमिकली इट इज वेरी वायबल टू प्रोड्यूस वाइन लेकिन मॉरली क्या है या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वी शुड नॉट मेक प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड वी शुड नॉट वी शुड नॉट यूज वाइन इसी पैटर्न जब आप लीगल एंड रेगुलेशन की बात करते हो कि गवर्नमेंट ने आप कह लें एक रूल या रेगुलेशन पास किया कि शुगर शुगर में मिल्स कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन कॉटन ग्रोइंग एरिया अब कॉटन ग्रोइंग एरिया में क्या हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे शुगर केन प्रोडक्शन तो एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो बट बिकॉज ऑफ लीगल रेगुलेशन आर लीगल बाइंडिंग जी देयर इज नो वन कैन परचेज द शुगर केन इन द मार्केट तो जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है दे विल नॉट मेक द प्रोडक्शन ऑफ शुगर गेन सो इन द मेकिंग ऑफ द चॉइस, ये जो सारे आप कह रहे हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं मॉरल या लीगल और पॉलिटिकल, इट आल्सो हैज सम रोल इन द डिसीज़न मेकिंग इट हैज द मेकिंग ऑफ द चॉइस बाय द फार्मर